हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेसिपी बाई अर्चना अपना स्वाद में। तो आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से कटहल की सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी को आपने इस तरह से शायद कभी बनाई भी नहीं होगी। जितना खाने में टेस्टी है उतना बनाने में भी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कटहल को हमने छोटे छोटे पीस में काट करके इन्हें एक सीटी आने तक उबाल लिया है। तो कटहल को जो है आपको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, बस इतना आपको पकाना कि ये पक जाए। कटहल गलने नहीं चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी जो है इसकी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमने छोटा वाला कटहल लिया था, इसकी सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब क्या करेंगे, इन कटहल के पीस को हम तोड़ लेंगे, यानी कि इनको क्रम्बल कर लेंगे। तो अब हम इनको अलग एक थाली में निकाल लेंगे, उसके बाद इन्हें छोटे छोटे पीस में इनको तोड़ लेंगे, जिससे कि सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो अब हम इन्हें जो ये पीस हैं बड़े बड़े, इनको हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से क्रम्बल कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये अपने आप में अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इनको इस तरह से हाथ से इस तरह से अलग अलग कर लेंगे, जिससे कि इनके जो रेशे हैं वो अलग अलग हो जाएं। जैसे कीमा होता है बिल्कुल हमें उसी तरह से बनाना है। तो बहुत ही आसानी तरीके से ये हो जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी बीज नहीं है, तो ये अपने आप इनके रेशे अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे पीस को इस तरह से तोड़ लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इनके अंदर जो है सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नहीं तो इस तरह से आप नहीं करेंगे स्टेप, तो जो है मसाले अंदर तक भरेंगे भी नहीं। इनको आपको एक एक पीस अलग अलग करके ही इस तरह से मैश करना है। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं उनको ये सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बिल्कुल वही टेस्ट इस सब्ज़ी में आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे पीस को अलग अलग कर लिया है। तो अब हम क्या करें, इनको निचोड़ेंगे, क्योंकि अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। तो हम इस तरह से उठाएंगे और उसके बाद इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी पानी निकलेगा। आप चाहे तो पहले भी इसको इस तरह से निचोड़ सकते थे, लेकिन आप इस तरह से निचोड़ेंगे अलग अलग करके पीस, तो पानी इसका जितना भी होगा सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए कितना इसमें पानी निकला है। इस तरह से निचोड़ लेंगे सारे हम कटहल को, क्योंकि जब इसकी सब्ज़ी हम बनाएंगे तो सब्ज़ी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए कितना पानी निकला, इसको हम फेंक देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, फिर से इनको हम इनको अलग अलग कर लेंगे, इनके सारे रेशे अलग अलग कर लेंगे। अगर इनको अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी अच्छे से फ्राई भी नहीं होगी और ना ही इनके अंदर अच्छे से मसाले एब्जॉर्ब होंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग इनको कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे रेशे को अलग कर लिया है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इनके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में हमने लिया है एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म मसाला और आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम घोल बना लेंगे, क्योंकि अगर इस तरह सब्ज़ी बनाएंगे सूखे मसाले डाल करके तो मसाले जो है जल जाएंगे और अच्छे से ये मिक्स भी नहीं होंगे सब्ज़ी में और सब्ज़ी भी ज़्यादा अच्छी भी नहीं बनेगी। तो आप इस तरह से घोल के ही इसमें मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने मसाले को अच्छे से घोल लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमने कढ़ाई ली है, उसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच सरसों का तेल और यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। तो अब हम इन्हें हल्का ब्राउन होने तक प्याज को पका लेंगे। ये सब्ज़ी में प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो आप इसे प्याज जो थोड़ा ज़्यादा ही डालें। तो इसे थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो इस सब्ज़ी को हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया है। आप चाहे तो कोई सी और भी कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी जो है लोहे की कढ़ाई में हमें ज़्यादा पसंद, तो हमने लोहे की कढ़ाई में ही बनाई है। तो इस तरह से हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने इसको हल्का सा दरदरा ही कूटा है। आप चाहे तो इसके बजाय पेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी पक चुका है और प्याज भी ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले जो घोल के रखे थे। अब मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला जो अच्छे से पक नहीं जाता है। तो मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएं और मसाले से तेल अलग ना होने लगे, तब तक हम मसाले को भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है भून चुके हैं, मसाले से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें कटहल डाल देंगे जो हमने क्रम्बल करके रखा था। अब सारे कटहल को इसमें हम डाल देंगे और उसके बाद अब सब्जी को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे जिससे कि मसाले जो हैं कटहल में अच्छे से मिक्स हो जाए और हर एक एक पीस में मिल जाए मसाले। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए ढक करके सब्जी को पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए। तो अब सब्जी को एक बार फिर से हम चला देंगे। तो यहाँ पे हमने सब्जी को चला दिया, उसके बाद फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाएंगे। बस आपको 2-2 मिनट ही ढक के पकाना, क्योंकि सूखी सब्जी है तो ये नीचे से जलने लगेगा। तो सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, इनको फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सब्जी को हम फिर से चला देंगे। तो ये सब्जी जो है हमारी बन चुकी, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे। तो बस अब आपको क्या करना, आपको बिना ढके ही सब्जी को अब पकाना है। तो इन्हें हम इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से चाहे तो आप इस तरह से मैश कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े टुकड़े रह गए हों कटहल के तो आप इस तरह से इनको इस तरह से तोड़ लें जिससे कि अलग अलग हो जाए, अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो इन्हें हम मीडियम हाई फ्लेम पर इनको और भी फ्राई कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप इस तरह से एक बार बना के देखिए, बहुत ही कम मसाले में ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। बहुत ज़्यादा हमने मसाले भी नहीं डाले, बस बेसिक मसाले जो घर में होते हैं हमने बस वही मसाले डाले हैं। तो इन्हें थोड़ा सा हम और फ्राई कर लेंगे। जितना इस सब्ज़ी को फ्राई करेंगे उतना ही सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मीट मसाला भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, तो बिल्कुल नॉनवेज वाला टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती सब्ज़ी खाने में। तो जिनको नॉनवेज पसंद है तो उनको ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो सब्ज़ी जो है हमारी बनके तैयार हो गई। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे फटाफट से प्लेट में आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से एक बार बना के देखिए, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस सब्ज़ी को आप रोटी से या पराठे से किसी के साथ भी आप खाएंगे, सभी के साथ ये सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस तरह से इस सब्ज़ी को बना के देखिए, मटन चिकन इसके आगे फेल है। इतनी ज़्यादा ये सब्ज़ी जो है टेस्टी खाने में लगती है और घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।